चले आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर बुक का अर्थवार्षिकी में अगला प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं, जिसमें पिछले प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ उसको पढ़ लें और इसके बाद आगे देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन है दिसंबर 2011 में, पहला क्वेश्चन है एक दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्ट फोन योजना की शुरुआत की गई। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब और चौथा उड़ीसा। तो इसका कौन सा होगा फिर या स्मार्ट फोन योजना की शुरुआत, तो उत्तर प्रदेश होगा इसका। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसका कौन सा कथन सही है जो बताइएगा। तो यह है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, या दूसरा है बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बड़े और तीसरा है बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा। तो ये भी तो सही है तीनों लगता है, तो इसका उपयुक्त तो सभी होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्षुद्र क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन लॉन्च किया गया। नासा के द्वारा, के इसरो के द्वारा, या जाक्सा के द्वारा, या स्पेस एक्स के द्वारा। तो तीन के कौन सा होगा, तीन का ए होगा, नासा के द्वारा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता। उत्तर प्रदेश ने जीता ए में है, बी में तमिलनाडु ने जीता, सी में हिमाचल प्रदेश, या डी में गुजरात। तो चार के कौन सा होगा, चार का बताइएगा, चार का सी होगा, हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जीता। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो पांच में क्या है संकल्प स्मारक का उद्घाटन, तो कौन किया, पहला ए में नई दिल्ली, बी में अंडमान निकोबार, या सी में चंडीगढ़, या डी में जम्मू कश्मीर। तो बताइए कौन होगा पाँच का, तो पाँच का होगा बी अंडमान निकोबार में होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया था। दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन किसने निर्यात किया, तो ए में है चीन, बी में फ्रांस, सी में रूस, और डी में जापान। इसका कौन होगा बताइएगा, इसका होगा डी जापान। अब अगला सात नंबर है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता। हाँ, ये भी मेघा मजुमदार ने अपनी कौन सी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता। अंग्रेजी भाषा में नामित गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया। तो गोखले को किसके लिए, थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखा, उसके लिए पुरस्कार दिया गया साहित्य अकादमी। फिर हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो इसका भी होगा सात का डी, सब सही है। उसके बाद आठ नंबर में हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह दहेज प्रथा की समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई। तो कौन सा अभियान, प्रगति अभियान, या स्वच्छ धारा अभियान, या समाज सुधार अभियान, या आदर्श बिहार अभियान। तो इसका कौन सा होगा आठ नंबर का, कौन सा होगा आठ नंबर का होगा समाज सुधार अभियान, समाज सुधार अभियान सी नंबर। उसके बाद है नौ नंबर में SAFF सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो नौ नंबर का कौन सा सही है, तो इसका पढ़ते हैं पहले। इसका आयोजन ढाका में हुआ, हाँ महिला चैंपियन का आयोजन ढाका में हुआ। इसमें विजेता देश कौन था, बांग्लादेश रहा, और फाइनल में बांग्लादेश ने किसको, भारत को हराया था। तो इसका कौन तो उपयुक्त सभी है, नौ नंबर का डी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया भाई, नई दिल्ली में, या बी में जम्मू कश्मीर, सी में उत्तराखंड, या डी में हिमाचल प्रदेश। तो दस का कौन होगा, नई दिल्ली, ए में नई दिल्ली है। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में
200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। तो ए में जसप्रीत बुमराह, बी में मोहम्मद शमी, सी में आर अश्विन और डी में रविंद्र जडेजा। तो इसमें होगा बी में मोहम्मद शमी ने 11 के। 12 में क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ASIGMA सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो मैसेजिंग ऐप को लॉन्च कौन किया है, रक्षा मंत्रालय या केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सी में भारतीय सेना या डी में नीति आयोग? तो 12 में कौन होगा, तो 12 का होगा सी, भारतीय सेना ने ASIGMA नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया। हाल ही में नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, ये कौन सही सुमेलित है, अनुपम रे, तो जानते हैं पढ़ते हैं हम लोग, तो अनुपम रे क्या है, निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे, हाँ, जगदीश कुमार UGC के अध्यक्ष हैं और संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, एकदम सही है सब। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रे इंका जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका प्रेम शंकर झा या रुपेश गोयल या दानिश सिद्दीकी या अजय शर्मा? तो इसमें होगा कौन सा भारतीय पत्रकार, तो इसमें होगा सी वाला, दानिश सिद्दीकी, जो कि अफगानिस्तान में अथी करते समय मारे गए थे जब अफगानिस्तान में सत्ता चेंज हुआ था। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ, 15 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान, ए में है उत्तर प्रदेश, बी में गुजरात है, सी में केरल है, डी में आंध्र प्रदेश है। तो 15 को बताइएगा कौन होगा, 15 का होगा बी, गुजरात। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है, ए में शांतनी गुप्ता, बी में मृदुला रमेश, सी में संजू वर्मा या डी में राहुल खैल? तो इसका 16 का कौन होगा, 16 का सी होगा, जो कि संजू वर्मा है, द मोदी गैम्बिट डिकोड मोदी के लेखक 2.0। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? तो कौन सा राज्य सरकार ने किया नदी उत्सव, ए में गुजरात, बी में पंजाब, सी में मध्य प्रदेश, डी में उत्तर प्रदेश? तो 17 के ए होगा, गुजरात ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योग को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु करवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, बी परवीन राव, विद्युत मोहन, सी में बिरल देसाई या डी में रणदीप गुलेरिया? तो 18 का कौन सा होगा, 18 का होगा सी, जो कि बिरल देसाई हैं। हाल ही में 19 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुए, ए में मिस्र, बी में नाइजीरिया, सी में इजराइल, डी में ईरान? तो इसमें कौन होगा 19 का, 19 का ए मिस्र में। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ए में दीपिका पादुकोण, बी में श्रद्धा कपूर, सी में आलिया भट्ट, डी में करीना कपूर? तो इसका 20 के होगा सी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट की शादी किसके साथ हुआ, तो रणवीर सिंह के साथ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने COVID-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की, कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स या क्रोनोवैक्स या डी में ए और बी दोनों? तो 21 में क्या होगा, 21 का डी होगा, ए और बी दोनों, कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स दोनों नए टीके आपातकालीन मंजूरी के लिए है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है, तो 71,711,589 वर्ग किलोमीटर या 713,689 वर्ग किलोमीटर या 711,789 किलोमीटर या डी में है 713,789? तो इसका कौन सा होगा, 22 का डी होगा, 713,789 वर्ग किलोमीटर।
उसके बाद है 23 में हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो हरून ग्लोबल में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो ए में है प्रथम स्थान, बी में द्वितीय स्थान, सी में तृतीय स्थान, डी में चतुर्थ स्थान। तो 23 के होगा सी, सी में तृतीय स्थान हुआ हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत को। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया, ए में इसरो ने, बी में नासा ने, सी में सीनेस ने, या डी में जक्सा ने। तो इसका कौन 24 का कौन सा होगा, 24 का बी होगा नासा में। अब अगला, निम्नलिखित में से किस परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो 25 के ए में है रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, या सावरुक कुड्डू जल विद्युत परियोजना। 11 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ शिलान्यास, तो 25 के डी सभी होगा, सभी के लिए। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधा के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए गए। तो इसमें ए में 75, बी में 100, सी में 125, या डी में 150। तो 26 का कौन सा होगा, 26 का बताइएगा, 26 का होगा बी, 100 को कार्गो टर्मिनल तैयार किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया। ए में उत्तर प्रदेश, बी में हरियाणा, सी में मध्य प्रदेश, डी में गुजरात। तो 27 का कौन सा होगा, बी में हरियाणा। उसके बाद 28 में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता। ए में भारत ने, बी में बांग्लादेश, सी में पाकिस्तान, या डी में श्रीलंका। तो 28 नंबर कौन, भारत, ए में भारत ने। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया, विनीत कुमार गोयल, बी में विजय पाल शर्मा, सी में विनय कुमार त्रिपाठी, या डी में बी एस पठानिया। तो 29 के कौन होगा, सी होगा विनय कुमार त्रिपाठी। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की। तो द्वीपों का नाम बदलने के लिए घोषणा किसने की, ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में इटली, सी में मेक्सिको, और डी में न्यूजीलैंड। तो इसका 30 का कौन होगा, ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। तो दुनिया की, तो ए में चीन, बी में कनाडा, सी में अमेरिका, डी में जापान। तो 31 के होगा ए, ए में चीन। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी। तो 3 ट्रिलियन तक कौन पहुंचा, ए में एप्पल, बी में माइक्रोसॉफ्ट, या डी में गूगल, या सी में गूगल, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो होगा 32 के ए, एप्पल ने $3 ट्रिलियन पार कर गया। वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी, जर्मनी, ए में जर्मनी, बी में जापान, सी में कनाडा, डी में भारत। तो 33 का ए जर्मनी। जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, निशी वासुदेव, बी में अलका मित्तल, सी में निकिता सोकल, या डी में सोमा मंडल। तो 34 का होगा बी अलका मित्तल के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वहन के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है, ए में मॉरीशस, बी में सिंगापुर, सी में चीन, या डी में USA। तो 35 का होगा बी सिंगापुर। हाल ही में किस देश में COVID-19 के एक नए वेरिएंट B.1.640.2 या
IHU की पहचान की गई। कहाँ की गई भाई? ए में भारत, बी में फ्रांस, सी में ब्राजील, डी में अमेरिका। तो 36 के बताइएगा, 36 का बी फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई? केरल हाई, ए में केरल हाई कोर्ट, डी में गुजरात हाई कोर्ट, या सी में दिल्ली हाई कोर्ट, या डी में महाराष्ट्र हाई कोर्ट। तो 37 का कौन होगा? ए में केरल हाई कोर्ट। हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो ए में क्या है? गुजरात, बी में हिमाचल प्रदेश, डी में बिहार, सी में बिहार, डी में राजस्थान। तो 38 का कौन होगा? 38 का बी होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2021 में पद्म श्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ, वो कौन थी? ए में लेखक, बी में समाज सेवी, सी में गायक, या डी में पत्रकार। तो 39 का कौन होगा बताइएगा? 39 का समाज सेवी। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 40 में क्या है, कहाँ किया गया? ए में चंडीगढ़, बी में जोधपुर, सी में मुंबई, या डी में हैदराबाद। तो कहाँ किया गया, कौन सा ई प्रशासन 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन बताइए कोई? तो डी में होगा, हैदराबाद। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए में पटना, बी में नई दिल्ली, सी में जयपुर, डी में पुदुचेरी। तो 41 के कौन सा होना चाहिए? 41 का होगा डी में पुदुचेरी। अब है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया किया है? तो कहाँ पारित किया है? 42 के ए में आंध्र प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में हरियाणा, डी में दिल्ली। तो कहाँ किया गया है बताइए? आप लोग को तो पढ़ा ही होगा इसमें, तो डी में दिल्ली। वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ए में अतुल कश्यप, बी में TS तिरुमूर्ति, सी में मेरोन ब्रिलियंट, डी में नागेंद्र राव। तो 47 का कौन होगा? TS तिरुमूर्ति, जो कि बी में है। अब है अगला। कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मंज पई योजना की शुरुआत की? तो ए में आंध्र प्रदेश, बी में तमिलनाडु, या सी में केरल, या डी में कर्नाटक। तो 44 का कौन होगा? मिंदम पंजाई, इसमें तो नाम से ही पता चल जाता है कि दक्षिण भारत में ही है। तो दक्षिण भारत में तो तीन तीन ग्रह, तो इसमें हम तो सबसे नीचे जो है वह बी तमिलनाडु। 44 का अब अगला। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ए में तुर्कमेनिस्तान, बी में कजाकिस्तान, सी में मलेशिया, और डी में ईरान। तो कौन सा होगा? ए में तुर्कमेनिस्तान। 45 का ए होगा, तुर्कमेनिस्तान में। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 46 के बताइएगा। ए में पुणे, बी में वाराणसी, सी में सूरत, डी में हैदराबाद। तो 46 का कौन सा होना चाहिए? डी। देखिए और बनाइए, पढ़िए तो फायदा ही होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? तो ए में क्या, सब पढ़े सब बढ़े, बी में पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, या सी में पढ़े भारत, या डी में शिक्षित भारत। तो 47 का क्या होगा? आप लोग तो सब क्वेश्चन वेश्चन देख लाए होंगे, तो इसका आंसर बताइए। 47 का सी होगा, पढ़े भारत।
जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? ए में स्मृति मंधाना, बी में मिताली राज, सी में झूलन गोस्वामी या डी में शेफाली वर्मा। तो 48 का कोई बताइए, 48 का ए होगा स्मृति मंधाना। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो ए में कानपुर, बी में मेरठ, सी में लखनऊ, डी में गोरखपुर। तो 49 के कौन सा होना चाहिए, याद होगा तो कमेंट करें, ए बी सी कौन होना चाहिए। तो 49 के होगा बी मेरठ। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? प्रीति चंडी या प्रियंका राधा कृष्णन या सी में रूबी धल्ला या डी में अनीता आनंद। चलिए कोई बता दीजिए, 50 का हो जाएगा कौन? 50 का ए में प्रीति चंडी। My channel.